तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ट्रिपल एच एंड एनएक्सटी ने रिंकू सिंह एंड सौरभ गुर्जर के साथ और इंडिया के साथ एक बड़ा भेदभाव किया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रेसलिंग फिनोमेना चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एनएक्सटी की तरफ से डस्टी रोड्स टैग टीम क्लासिक टूर्नामेंट रखा गया था, जिसमें रिंकू सिंह एंड सौरभ गुर्जर की टीम को चांस मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। एनएक्सटी वालों ने इस टूर्नामेंट में 16 की जगह सिर्फ 8 ही टीमों को शामिल किया, जिसमें सबसे बुरी बात ये थी कि इस टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम भी शामिल थी जिसके टूर्नामेंट से पहले कोई भी नामो निशान नहीं थे, और वो टैग टीम थी मैट रिडल एंड पीट डन की टैग टीम। और जब ये टीम को टूर्नामेंट में डाला गया तो फैंस को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी कि ये दोनों ही इस टूर्नामेंट को जीतेंगे, और ये एक प्रिडिक्शन नहीं स्पॉइलर बन चुका था, और हुआ भी ठीक वैसा ही। दोस्तों, मुझे मैट रिडल या पीट डन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी काफी अच्छे रेसलर हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जब एनएक्सटी के पास इससे भी डिजर्विंग टीम्स थी जो कि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना डिजर्व करती थी, लेकिन ट्रिपल एच ने उन टीमों को मौका न देकर ऐसी टीम को टूर्नामेंट में डाला जिसका कोई मतलब नहीं था, और वो टीमें जो कि अपना टीवी डेब्यू डिजर्व करती हैं, जैसे कि टीम नमस्ते, उन्हें भी ट्रिपल एच ने टीवी डेब्यू करने का मौका नहीं दिया। दोस्तों, चूंकि एनएक्सटी का शो 2 घंटे का हो चुका है, तो ट्रिपल एच को अपने फेवरेट मैट रिडल और पीट डन के अलावा भी दूसरे रेसलर्स के बारे में सोचना चाहिए जो कि एनएक्सटी के अंदर नए रेसलर्स और नया टैलेंट है। वो भी तो टीवी पर आने का मौका डिजर्व करते हैं, जैसे कि जीत रामा सर, बाबा टुंडे एक्सेट्रा, जो कि काफी टाइम से रोस्टर में तो हैं लेकिन उन्हें टीवी एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। दोस्तों, जीत रामा सर की एज 38 ईयर्स हो चुकी है और 5 सालों से वो एनएक्सटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर अब जीत रामा एनएक्सटी टीवी पर डेब्यू नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कब किसी इंडियन रेसलर को मौका मिलेगा और कब एनएक्सटी में कोई इंडियन रेसलर टीवी डेब्यू करेगा? ट्रिपल एच को यहाँ पर अपने फेवरेट रेसलर्स का सोचना बंद करके उन्हें पुश देने के साथ ही साथ ऐसे रेसलर का भी सोचना चाहिए जो कि सच में एक मौका डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें साफ इशारा करती हैं कि किस तरह से एनएक्सटी वाले इंडियन टैलेंट को मौका नहीं देते हैं और भारत को इनडायरेक्टली यहाँ पर धोखा दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।